तो सर्विस सेंटर में तो वॉशिंग हुआ नहीं, तो बाहर वॉश करवा रहा हूँ और 50 रुपये लगेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, गाड़ी गंदी बहुत हो गई थी, करवा लेता हूँ इसको। और जब तक गाड़ी वॉश होती है तब तक मैं आपको बिल बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ उन्होंने चेंज किया। एक चीज़ और उस लोगों ने चेंज नहीं किया जो मैंने बोला था ज़रूरी है मुझे करवाने का, आपको दिखाता हूँ। कौन सेट देख सकते हो, कितना क्या चार्ज है, सब लिखा हुआ है इसमें, आप उसी से अंदाज़ा लगा लो। कवर चेंज किया बल्ब का, ठीक है, उसके बाद बल्ब चेंज किया, मतलब बल्ब तो फ्यूज़ ही हो गया था। और लेबर चार्ज कितना लिया है, 510, ठीक है। कौन सेट है, सिर्फ 288 रुपये का, बाकी टैक्स वैक्स लगा होगा वो पीछे पता चलेगा। टोटल यहाँ पर है टैक्स वगैरह सब मिला के 601 रुपये ये हो रहा है, टोटल होना 1185 का बिल, ठीक है। काम में मज़ा तो नहीं आया मेरे को, अगर चलो यार कोई बात नहीं, हैंडल थोड़ा सा हार्ड हो रहा था इसका, तो हैंडल मैंने ठीक करवा लिया है, बाकी वॉशिंग हो रही है तो अब चमक जाएगी मस्त, ठीक है। अब वो बोल रहा था कि हमारा सामान सब इधर उधर बिखरा हुआ है, इसलिए पार्ट्स है लेकिन मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं वही बोला कि जब नहीं मिल रहा है तो फिर सर्विस सेंटर मत चलाओ, सर्विस सेंटर क्यों खोले हुए हो, बंद कर दो 10-15 दिन के लिए, लोग आएंगे उनका काम पूरा करोगे नहीं तो फिर खोलने से फ़ायदा क्या है ना। एनीवेज अब उन लोग का है, अब क्या बोलूँ मैं, पहला एक्सपीरियंस था, मज़ा नहीं आया। बढ़िया से धो दे भाई, चलो मिलते हैं फिर, बाय।